केजरीवाल जी, जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तब तो कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, घर से कुछ निकला था क्या, जरा बताइए ना। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है, मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई, मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। अरे वाह, फिर तो लॉकर में कुछ निकला होगा, बताइए ना। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। लॉकर में भी कुछ नहीं निकला, सोच कर बोलिए। फिर मनीष जी के बैंक गए, लॉकर में उन्होंने सोचा शायद कुछ, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, झुंझुना पड़ा था वहां पे एक बच्चे का। अच्छा, बच्चे का झुंझुना मिल गया लॉकर में, सही सही बताइए, आप पलट जाते हैं बार बार। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी तो आप कह रहे थे कि लॉकर में झुंझुना मिला, अब आप कह रहे हैं नहीं मिला, क्या है ये, जो बोलना हो बोलिए, सही सही बोलिए। उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। लो जी, अब कुछ और मिल गया, पहले कहा झुंझुना मिला, फिर कहा नहीं मिला, अब कह रहे हैं कि 10,000 रुपये मिले। देखिए सही सही बताइए केजरीवाल जी, 10,000 रुपये मिले या नहीं मिले, यही बताइए। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपये नहीं मिले, 10,000 रुपये नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। बड़ा झोल है यार इस केजरीवाल जी में। एडिटर महोदय, जरा सिसोदिया का पुराना बयान निकालिए, उस मामले में भी बातचीत करते हैं ना, उन्होंने भी तो कुछ कहा होगा। तो सिसोदिया जी आप ही बताइए, आप ही क्लियर कर दीजिए कि आपके लॉकर में 10,000 रुपये मिले या नहीं मिले, झुंझुना मिला या नहीं मिला, क्या मिला आखिर? मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के, कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं। अरे बाबा, बड़ा गड़बड़ झाला है। खैर छोड़िए, आप घर छोड़िए, लॉकर छोड़िए, ये बताइए केजरीवाल जी, सुना है सिसोदिया के गांव भी पहुंचे थे ये लोग। तो मनीष जी के गांव गए, सोचा यहाँ शायद जमीन खरीद रखी हो, वहाँ जमीन भी नहीं मिली। अच्छा, तो जमीन भी नहीं मिली, तो एक बात अब ये आप बता दीजिए कि कुछ किया था क्या ये सीबीआई ईडी वालों ने? इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। अरे अरे, इतनी डिटेलिंग में मत जाइए, मुझे भी पता है आप लोग भी बड़े चालाक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो खुद ही बताते हैं पैसा इधर उधर तो छिपा कर रखेंगे नहीं। वैसे और भी कुछ किया था क्या ये एजेंसी वालों ने? मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने, बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। देख रहे ना, कुछ नहीं मिला, पुराने बयान है दोस्तों, लेकिन आज देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की तो उस समय साफ कहा कि जांच एजेंसियों ने अस्थाई रूप से यह एस्टैब्लिश कर दिया है कि 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मगर यह मामला इतना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस मामले में केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, शराब घोटाला तो जो है लेकिन वो एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक नई आफत आ गई है, और वो कैसे आपको बताता हूं, पहले आप ये बयान सुनिए। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। देखिए और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस तरीके से केजरीवाल ने फैसला बता दिया और ये बात कही, कितनी गंभीर टिप्पणी है। आपको एक उदाहरण देता हूं, राफेल की सुनवाई याद है ना, उस दौरान सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि चौकीदार चोर है, और उस मामले में क्या हुआ था, पहले बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद इसी बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और यह बताया गया कि राहुल गांधी कैसे आपका नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। अब देखिए दोस्तों, केजरीवाल ने वही काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में यह कहा है कि यह पूरा घोटाला फर्जी है। अब आपको यह बयान सही से समझ में आएगा, सुन लीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि यह पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे भी, कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए, एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है।
तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। और केजरीवाल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के आधार पर जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये बयान भी सुन लीजिए। जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। यानी अरविंद केजरीवाल इस मामले में बुरी तरीके से फंस सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो भाजपा वालों को पहुंचाइएगा ये पॉइंट दे करके कि भैया बताओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर केजरीवाल जी ने कहा क्या है। तो ये तो बात हुई दोस्तों इस मामले की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर जमानत की याचिका खारिज की है वो सुनना जरूरी है, क्योंकि ये वो मामला है दोस्तों जिससे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है, और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पल भर के लिए दोस्तों ये मान लीजिए कि किसी भी ग्राउंड पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी होती तो क्या होता, कल्पना कर सकते हैं? पूरे अमला को, सरकारी अमला को, तमाम लोगों को, सारे सरकार कार्यकर्ताओं को ये लगा दिए होते कि शराब घोटाला तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, देखिए कैसे फंसा दिया सिर्फ जमानत के आधार पर। आप ये कल्पना कर सकते हैं ना दोस्तों। और ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला। बयान एक बार सुनाता हूं आपको, पुराना बयान सुन लीजिए। तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले एक साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि शराब घोटाला हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और इस बार जो जमानत की याचिका खारिज हुई है ना, वो लोअर कोर्ट से नहीं, वो हाई कोर्ट से नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट से। और ये तो दुनिया का पहला मामला है दोस्तों जिसमें एक व्यक्ति शिक्षा के नाम पर ढोल पीटता है लेकिन शराब के नाम पर घोटाले करता है और सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो जाती है। लेकिन जमानत खारिज ही हो गई होती तो बात कुछ नहीं थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा ही गंभीर मामला है। और आप मान कर चलिए दोस्तों, ये जो बेईमान आम आदमी पार्टी है ना, उसके ताबूत में ये आखिरी कील की तरह है। क्यों कह रहा हूं आपको मैं अभी दिखाता हूं। सिसोदिया के इस मामले की सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई महीने से चल रही थी। कल जो फैसला आया है उसमें दो जजेस की खंडपीठ है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ही यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में जो कहा, मैं आपको एक वेबसाइट लाइव लॉ उससे पढ़कर सुनाता हूं, सिर्फ एक लाइन है। रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू 338 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से सत्यापित है, स्थापित है, इसलिए हमने जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिए हैं। एक और वेबसाइट मैंने ढूंढ कर निकाला दोस्तों, और ये है बार एंड बेंच, और इसकी वेबसाइट पर लिखी हुई लाइन पढ़ देता हूं। कोर्ट ने कहा, विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं 338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है, हमने जमानत खारिज कर दी है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि गद्दा फाड़ दिया, तकिया फाड़ दिया, दीवार तोड़ दिया, पलंग तोड़ दिया, गांव चले गए, खेत चले गए, कुछ नहीं मिला, वो ये मिला है। और ये कमाल है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो ऐसी ही जादूगरी करते हैं। और मनीष सिसोदिया की दोस्तों एक और मुसीबत समझ लीजिए। मुसीबत ये है कि अब अगले 3 महीने के लिए उनके लिए जमानत के रास्ते बंद हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात साफ हो जाती है। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने जमानत की याचिका ठुकराते हुए क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। हमने कहा है कि अगर इन 3-6 महीनों में सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो वे इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि अब जांच एजेंसियों को और मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही मोदी जी के काल में ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो 6-8 महीने में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस मेहनत का नतीजा क्या होगा आप समझ रहे हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। अब इस मामले में पूरी आम आदमी पार्टी ईडी के कटघरे में होगी, और ये बात तब सामने आई दोस्तों जब सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई चल रही थी। और उस समय हुआ क्या था, अब मैं आपको 4 अक्टूबर का एक वाकया बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह समझाया ईडी ने कि कैसे विजय नायर के जरिए शराब माफियाओं का पैसा मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि फिर आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया जब आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा। यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, और जस्टिस संजीव खन्ना और भाटी की खंडपीठ ने दोस्तों ये कहा कि जहां तक पीएमएलए की बात है उसमें आपका पूरा केस ही इस बात पर टिका है कि अपराध का फायदा एक राजनीतिक पार्टी को मिला है, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी को आपने आरोपी ही नहीं बनाया है। आप इसका क्या जवाब देंगे? और इसके बाद क्या हुआ, ईडी को अपनी गलती समझ में आ गई, भूल समझ में आ गई, और उसने अगली सुनवाई यानी 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि वो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना रही है। यानी इस मामले में अब ईडी जहां भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करेगी, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी कार्रवाई करने के लिए तेजी से विचार कर रहा है। और याद रखिए, ये दुनिया का पहला मामला होगा जब पूरी की पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी होगी और चुनाव आयोग भी उस पर कार्रवाई के लिए आगे तैयारी कर रहा होगा। और फिर क्या होगा, इसकी झलक भी मैं आपको दिखाता हूं। केजरीवाल तो बड़े भविष्यवाणी करने वाले शख्स है ना, हर किसी की भविष्यवाणी करते हैं। सत्येंद्र जैन की, उसके बाद मनीष सिसोदिया की भविष्यवाणी की, उसके बाद संजय सिंह की भविष्यवाणी की, केजरीवाल ने अपनी भी भविष्यवाणी की है। बड़ा खोज कर निकाला है मैंने, जरा सुनिए ना क्या होगा। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर ले। समझ गए ना दोस्तों, तो कुल मिलाकर अब केजरीवाल की बारी आ गई है। लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कुल मिलाकर कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि केजरीवाल के जेल जाने के साथ ही उनकी जो अराजक राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा समझना बड़ा भूल है। क्योंकि केजरीवाल का योगदान सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से अराजक बना दिया है, बल्कि उन्होंने अपने जैसा कई नमूना भी पेश कर दिया है। कई राजनीतिक दलों को अपनी पूरी की पूरी, जो कहते हैं ना कि जो वैचारिक सोच होती है, अराजक सोच, वो दे दी है। और इसीलिए जिस फ्री की पॉलिटिक्स को केजरीवाल ने शुरू किया, उनकी पार्टी ने शुरू किया, आज वो कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का कोई नामलेवा भी नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।